स्वागत है गाइस टैगे भी चैनल पे। तो गाइस नथिंग फोन CMF1 लॉन्च हो चुका है इंडियन मार्केट में, जिसकी प्राइस 16,000 से 18,000 रुपीज के आसपास है। और सेम प्राइस रेंज में अभी सैमसंग भी एक नया डिवाइस लॉन्च करने वाला है, सैमसंग गैलेक्सी M35 5G। और लोगों का कंफ्यूजन है, क्या सैमसंग के लिए वेट करें या फिर नथिंग फोन को 12 जुलाई के सेल में हम खरीद ले, या फिर 17 जुलाई तक हम वेट करें जब सैमसंग गैलेक्सी M35 लॉन्च होगा। तो भाई ये वाला डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि दोनों ही डिवाइसेस में से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, यदि आपका बजट 16,000 से 18,000 रुपए के आसपास है। तो भाई नथिंग फोन में जिन्होंने सबसे मेन चेंजेस करे ना, वो उसके डिजाइन लैंग्वेज में। पीछे का आप बैक कवर चेंज कर सकते हो, अब वो बात अलग है, 1500 रुपए देने पड़ेंगे आपको बैक कवर के लिए। ऑरेंज लगाना है, ब्लैक लगाना है, आप कोई सा भी लगा सकते हो, 1500 रुपए का बैक कवर आएगा। प्लस आपको स्क्रूज खोलने पड़ेंगे, फिर आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हो। इसके अलावा साइड स्टैंड लगा सकते हो, वॉलेट वाला जो सेक्शन है वो पीछे चिपका सकते हो। तो ये मेन चीज है, डिजाइन लैंग्वेज में चेंज किया है नथिंग ने, ये सारी चीज आपको सैमसंग में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये फिजिकल लेवल पे यदि आप बात करोगे, जो आपको डिजाइन वाला सेगमेंट है, जो आपको एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, तो भाई आपको नथिंग पसंद आएगा। बट सैमसंग का डिजाइन काफी ऑर्डनरी सा है, काफी प्लेन सा है, कोई भी आप चीज इसमें चेंज नहीं कर सकते, पीछे का बैक पैनल भी नहीं खोल सकते। तो उस चीज के अंदर आपको ऐसा फोन चाहिए तो भाई आपको सैमसंग पसंद आएगा। अब बात करते हैं डिजाइन से हटके इसके हार्डवेयर पे, प्रोसेसर कौन सा है, डिस्प्ले कौन सा है। तो भाई देखो नथिंग में लगा है डायमेंसिटी का 7300 वाला प्रोसेसर, जो कि 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है, जिसका एंटीटू स्कोर 6,20,000 के आसपास आता है। अब यदि सैमसंग की बात करोगे तो सैमसंग में एक्सिनोस 1380 का प्रोसेसर है, जिसका एंटीटू स्कोर 5.5 लाख के आसपास आता है। तो भाई प्रोसेसर के मामले में देखा जाए दोनों में से, तो भाई हमारा जो एक्सिनोस वाला है थोड़ा पीछे है, मीडियाटेक वाला आगे है। तो नथिंग फोन का जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा अच्छा होने वाला है, इस पर तो कोई भी डाउट है नहीं, ठीक है। बट क्या 1380 एक्सिनोस बिल्कुल बेकार है? तो भाई देखो पिछले साल सैमसंग का F54 लॉन्च हुआ था, एक्सिनोस 1380 मैंने उसमें टेस्ट किया था, काफी डीसेंट प्रोसेसर है, प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस सही निकाल के देता है, उसमें कोई आपको इश्यूज देखने को नहीं मिलने वाले। इसके अलावा भाई डिस्प्ले की बात करोगे तो सुपर एमोलेड की डिस्प्ले आपको दोनों मिल रही है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, वो भी पंच होल डिस्प्ले, तो भाई दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बैटरी की बात करोगे तो सैमसंग में आपको 6000mAh की बैटरी मिलेगी, यहाँ पे नथिंग आपको 5000mAh की बैटरी मिल रही है। तो बैटरी वगैरह आपको सैमसंग में ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा इन कंपेरिजन टू नथिंग, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब दोनों ही फोन में आपको चार्जर देखने को बॉक्स में नहीं मिलता है, तो दोनों में आपको चार्जर खरीदना पड़ेगा। सैमसंग सपोर्ट करता है 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग, नथिंग सपोर्ट करता है 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग, और जो चार्जर की कॉस्ट है 800-900 रुपए है नथिंग की कॉस्ट में। और यदि आप बात करोगे हमारे सैमसंग में, तो सैमसंग में भी आपको 1000 रुपए के आसपास लगाना ही पड़ेंगे 25 वॉट का चार्जर खरीदने के लिए। अब हो सकता है जब पहली सेल आएगी तो हो सकता है चार्जर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे या 300 रुपए में चार्जर दे, वो देखना पड़ेगा। बट दोनों में आपको चार्जर के लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई इसके बाद बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर अपडेट्स की। तो भाई सैमसंग में आपको मिल रहे हैं 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स, और नथिंग फोन में आपको 2 साल के तो मिलेंगे, हो सकता है आपको 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स मिल जाए, बट 4 साल के तो नहीं मिलने वाले। तो सॉफ्टवेयर अपडेट साइकिल में भी सैमसंग हमारा ज्यादा अच्छा है। एंड्रॉइड 14 के साथ ये लॉन्च होगा, 15, 16, 17, 18 तक जाएगा सैमसंग गैलेक्सी M35 5G। तो जिनको लेटेस्ट फीचर्स का शौक है तो भाई को सैमसंग में ज्यादा देखने को मिलेंगे इन कंपैरिजन टू नथिंग, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद भाई स्पीकर क्वालिटी की बात करोगे तो सैमसंग का M35S की क्वालिटी ज्यादा सुपीरियर है इन कंपैरिजन टू नथिंग। नथिंग का जो फोन है उसमें आप पीछे का बैक पैनल चेंज तो कर सकते हो, बट उसकी वजह से जो स्पीकर की क्वालिटी है ना, जो उन्होंने स्पीकर यूज करें वो इतने अच्छे क्वालिटी के है नहीं। तो सैमसंग गैलेक्सी M35 5G के नो डाउट स्पीकर ज्यादा अच्छे आपको साउंड सुनने में देंगे इन कंपैरिजन टू नथिंग, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसके अलावा अगर बात करते हैं कैमरा सेक्शन में, तो भाई कैमरा सेक्शन में नथिंग पूरी तरीके से एकदम खत्म है इन कंपैरिजन टू सैमसंग। सैमसंग में आपको जो मेन सेंसर मिल रहा है 50 मेगापिक्सल का, उसमें OIS भी है, नथिंग में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल रहा है, कोई भी OIS का सपोर्ट है नहीं। दोनों ही फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग आप पीछे वाले कैमरा से, रियर कैमरा से 4K 30fps में कर पाओगे, तो उसमें दोनों ही फोन बराबर है। बट OIS का सपोर्ट आपको सैमसंग में देखने को मिलेगा, नथिंग में देखने को नहीं मिलेगा। प्लस आपको सैमसंग वाले फोन में अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिल रहा है 8 मेगापिक्सल का, नथिंग में कोई भी अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं है, ठीक है। और यदि आप बात करोगे सैमसंग में आपको मैक्रो मोड के लिए 5 मेगापिक्सल का सेंसर भी मिल जाएगा, नथिंग में वो भी नहीं है। नथिंग में एक सेंसर उन्होंने डाला है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ के लिए, वो सब तभी यूज में आता है जब आप पोर्ट्रेट फोटोज खींचते हो, बाकी और कोई काम है नहीं। तो भाई कैमरा सेगमेंट में टोटली सैमसंग 1000 गुना बोलूंगा जो हमारे नथिंग फोन से बहुत ज्यादा आगे, क्योंकि उसमें OIS भी नहीं है नथिंग फोन के अंदर, और सिर्फ एक ही कैमरा काम का है, दूसरा तो बस टाइम पास है। बट यहाँ पे सैमसंग की बात करोगे, सैमसंग में प्राइमरी कैमरा भी OIS अल्ट्रा वाइड भी दिया है, और मैक्रोबुक कैमरा भी उन्होंने दिया है, तो भाई कैमरा प्रायोरिटी है, तो भाई सैमसंग नो डाउट ज्यादा अच्छा है। यदि ओवरऑल देखा जाए सारी चीजों को, तो भाई सैमसंग के अंदर बैटरी बड़ी है, प्लस इसका कैमरा ज्यादा अच्छा है, प्लस सॉफ्टवेयर अपडेट आपको 4 साल के देखने को मिल जाते हैं, नथिंग फोन कहां पे जीत रहा है? हल्का सा जो प्रोसेसर है वो पावरफुल है इन कंपैरिजन टू सैमसंग, प्लस डिजाइन लैंग्वेज इनको चीजों का बदलने का शौक है, पीछे का बैक कवर चेंज करना है, तो भाई उन लोगों को नथिंग फोन पसंद आएगा। बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा भाई दोनों ही डिवाइसेस में देखा जाए ज्यादा स्टेबल डिवाइस सैमसंग है, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं, कैमरा काफी डिसेंट मिल रहा है, बाकी 4K 30fps का सबको वीडियो रिकॉर्डिंग आपको दोनों में देखने को मिल रहा है, बैटरी ज्यादा बड़ी मिल रही है सैमसंग के अंदर। तो मेरा कोई सजेशन रहेगा 17th of July तक वेट करो, नथिंग फोन CMF1 जो लॉन्च हुआ है 12 जुलाई पे, सो परचेस मत करना।
जैसे ही सैमसंग गैलेक्सी M35 लॉन्च होगा, काफी सारे रिव्यूज के निकलने शुरू हो जाएंगे और मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M35 दोनों ही कंपैरिजन में, यदि मेरे साथ पूछोगे तो। ठीक है, तो मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि सैमसंग गैलेक्सी M35 का वेट करो और जब वो आए तो उसकी तरफ जाओ इन कंपैरिजन टू नथिंग। ठीक है, बाकी यदि आपका कोई डाउट हो दोनों में से तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, यदि कोई डाउट बिंदास तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो गाइस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। अगली बार बाय बाय, सी यू।